समस्या को लेकर के आपने ज्ञापन दिया है। आज वार्ड नंबर 45 में हबीब नगर एक क्षेत्र है, मस्जिद के पीछे का हिस्सा है, वहाँ पर जो है पानी पहुंच नहीं रहा है एक महीने से। एक महीने पहले जब इनसे हमने दूरभाष में बात की अधिकारियों से, तो इन्होंने चुनाव का बहाना किया कि चुनाव चल रहे हैं, चुनाव अर्जेंट है, हम भी जानते हैं इसलिए हम भी चुप हो गए। उसके बाद चुनाव के बाद फिर दोबारा हमने इन्हें फोन किया तो इन्होंने कहा कि अभी लेबर नहीं मिल रही है, सावे चल रहे शादी ब्याह के। उसके बाद भी इन्होंने अभी तक लेबर नहीं भेजी और दो तीन दिन पहले लेबर आई तो वो एक दिन गड्ढा करके चली गई। पानी की समस्या जो की थी वो महीने भर से बनी हुई है, लोगों का आक्रोश फूट चुका है। ये सारे वार्ड नंबर 45 के लोग मेरे घरों पे आ गए, इन्होंने मेरे घर के आगे पत्थर वत्थर फेंकना शुरू किया। मैं सुरक्षित जैसे तैसे बाहर निकला, मोहल्ले वालों से समझाइश करके इन्हें यहाँ तक लाया हूँ। इन्होंने मेरी बात मानी, मैं इनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे साथ यहाँ तक आए। अभी अधिकारियों ने आज ये कहा है, मैंने फोन करके हमारे फरीद भाई चौधरी, ओम पाठक, नफीस भाई को बुलाया, उन्होंने भी साथ रखा, उनके सामने हमने ये बात रखी तो इन्होंने ये कहा है के अधिकारी वहाँ मौके पे गए, एक्शन साहब और नफीस भाई उनके साथ अभी वहाँ है और उन्होंने मौके पे लेबर लगाई है, फॉल्ट ढूंढ लिया है। ये 5 बजे तक का आश्वासन दे रहे हैं, आज 5 बजे तक नलों में पानी आने का इन्होंने, अय्यन साहब ने और एक्शन साहब ने हमें आश्वासन दिया है, उसी पे हम ये धरना समाप्त कर रहे हैं। अगर आज पानी नहीं आया तो कल हम कलेक्टर साहब के ऑफिस के बाहर धरना देंगे।